बताना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में कहती है कि मैं मई जून में सर्दी पैदा कर दूंगा। मुख्यमंत्री है और कहते हैं कि मई जून में सर्दी पैदा कर देंगे। मुख्यमंत्री आपको तो मौसम वैज्ञानिक बन जाना चाहिए। मई जून में सर्दी पैदा करेंगे और मैं गर्मी निकाल दूंगा। मुख्यमंत्री जी आप क्या पेंचिस के डॉक्टर हैं? इसबगोल खाने से तो सब निकल जाता है ना, बाबा का इसबगोल को बेच रहे हैं। हमारे पास हकीम साहब है, मैं गर्मी निकाल दूंगा, मैं सर्दी पैदा कर दूंगा। बाबा सुनो हमारा बात, हमारी पैगाम सुनो। अब मजलिस ने जो गर्मी पैदा कर दी है उत्तर प्रदेश में नौजवानों में, ना तुम्हारी गर्मी इस गर्मी को कमी पैदा करेगी, ना तुम्हारी सर्दी इस गर्मी को पैदा कम करेगी। हमने जो गर्मी पैदा की है वो सच्चाई की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर, गैरत की बुनियाद पर, इज्जत को हासिल करने के लिए, मुकाम को हासिल करने के लिए, हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए हमने ये गर्मी पैदा की है। बाबा सुन लो, अगर हम मर भी गए ये लोग हमारे पैगाम को लेकर सुबह कयामत तक चलते रहेंगे। अब इस गर्मी को कम होने मत दो। मैं मौसम की गर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे दिल में अब जो जज्बात पैदा हो चुके उसको बरकरार रखो। हम जिंदा रहे या ना रहे तुमको ये काम करना है, ये हमारे हिस्सेदारी की लड़ाई है। गर्मी पैदा करेंगे, सर्दी पैदा करेंगे, ये क्या क्या बातें मुख्यमंत्री कर जाते हैं। अच्छा जी, अब कोविड के सेकेंड वेव में गंगा पर लाशें तीर रही थी तो बाबा ना गर्मी पैदा किए ना सर्दी पैदा किए। लोग परेशान फिर रहे थे ऑक्सीजन दवाओं के लिए, बाबा अपने घर में आराम से बैठे थे। और लोग पूछेंगे वैसी तुमने क्या किया हैदराबाद में? हमने पहली वेव में हमारे पास हमारे कंप्यूटर में पहली वेव में हमने 1900 लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, हमने बेड दिलाया। जब दूसरी वेव आई तो हमने अपनी पार्टी से हैदराबाद में 900 ऑक्सीजन के सिलेंडर फ्री में आवाम के लिए रखिए। और हमने बर्तानिया से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 80-90 मंगाए सब फ्री में, जिस कोना लेकर जाओ। मजलिस के अराकीन घर पर जाकर ये काम करते थे। क्या समाजवादी आपको नजर आई दूसरी कोविड वेव में? कमाल साहब भी नजर नहीं आए? इतने बाकमाल थे कि उनको हसनपुर से उठाकर वहां फेंक दिया गया। क्या कमाल है अखिलेश तुम्हारा! अब तुम्हारे कमाल को हम खत्म करने आए हैं इंशाअल्लाह। होता है इनके कमाल को, इंसान को नहीं, वरना ये हमारे भड़का भाषण बोल दिया वैसी। हम बड़े बाकमाल हैं, हम जानते हैं तुम्हारे जादू को अब तोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बाबा ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो क्या बोले, लद्दाख में, यबसांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। क्या कभी आपने अपने प्रधानमंत्री की जबान से सुना हमारे भी हैं लफ्ज़े चीन नहीं बोलेंगे? पश्चिम यूपी में तकरीर भाषण देते मोदी जी, गन्ना कहते हैं चीनी नहीं कहते, कहीं चीन ना निकल जाए। अजीब मामला है,
कुछ नहीं बोलेंगे, और कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण देता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश के जनता के विकास के लिए कुछ नहीं किया। नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, रोजगार देने के लिए कुछ नहीं किया। शिक्षा का इंतजाम नहीं किया। इंडस्ट्रीज खत्म होने के दहाने पर आ गए। एमएसपी नहीं मिलता गन्ने का, गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ती हैं। हर जगह पर बीजेपी से लोग नाराज हैं, लोग नाराज हैं बीजेपी से। अब आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आज एक विकल्प के तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपके दरमियान में है। बाबू सिंह कुशवाहा है, मिंड समाज के, कश्यप समाज के, अति पिछड़ा समाज के तमाम लोग हैं, जिसमें मजलिस भी है। आप 14 तारीख के दिन बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अब तीसरी बात हमारी है कि लोग हमको कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज का क्या मौकफ है। हमने माहरीन एक्सपर्ट्स को बिठाकर रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट बच्चे और बच्चियों का इन लोगों का है। सिर्फ 3% लोग ग्रेजुएट होते हैं, 1% पीजी के मुकम्मल कर पाते हैं। सिर्फ 2% लोगों के पास 5 एकड़ नहीं, 2% लोगों के पास भी 5 एकड़ जमीन नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। सबसे ज्यादा गरीबी पावर्टी की सीम है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान। बताओ फिर तुमने कौन सा सामाजिक न्याय किया? बताओ बीजेपी, बताओ सपा, बताओ बीएसपी वालों, आपने क्या किया? मगर जब चुनाव आ गया तो योगी कह रहे हैं कि गर्मी पैदा कर दूंगा, सर्दी निकाल दूंगा, और उधर से कोई कह रहा है जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। क्या स्कूल नहीं मिलना? क्या स्कूल नहीं मिलना जिंदगी और मौत का नहीं है?